सीधे रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, वहां पे हमारे सहयोगी फिलहाल मुरारी वहां पर मौजूद हैं और जानते हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय के अंदर क्या स्थिति है। जनता के प्रत्येक व्यक्ति में अति उत्साह से माहौल है और माहौल आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर और जनता में देख सकते हैं। कुछ कार्यकर्ता है, हम और उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, कितना बहुमत है जी? जी मुरारी जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? क्या माहौल है वहां का, थोड़ा सा बताइए क्या कार्यकर्ता कह रहे हैं? कोई चेहरा नहीं था इस बार, लेकिन क्या चेहरा, बिना चेहरे के आप इतने बहुमत के करीब जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वप्रिय नेता हैं, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, और वो अपने आप में कमल का फूल बड़ा चेहरा है। जिस तरह से कांग्रेस के कुशासन रहा और कांग्रेस ने जिस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति करी, उस राजनीति का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 135 प्लस सीटें वो करने जा रही है, और महिलाओं के दुराचार के केस बढ़े और युवाओं के साथ रीट के परीक्षा के अंदर जिस तरह से पेपर लीक हुए, इस तरह के कार्यों से युवा महिला किसान सभी ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, क्योंकि ये जो कांग्रेस की सरकार रही अपने आप में फेलियर सरकार रही। 4.5 साल ये अपनी कुर्सी की लड़ाई में लगी रही और इन्होंने किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चलिए आप देख रहे थे या हमारे बीच में थे या प्रदेश मुख्यालय से, भाजपा प्रदेश मुख्यालय से हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता।